अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं आपके लिए चांद रात के लिए बना रही हूँ दो मुख्तलिफ़ किस्म के पिज़्ज़े, चिकन टिक्का पिज़्ज़ा और चिकन फ़हीता पिज़्ज़ा। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए मैं कौन कौन सी चीज़ें दरकार हैं। सबसे पहले 1 kg मैदा, 2 चम्मच ड्राई मिल्क, 2 चम्मच चीनी, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून इंस्टेंट ईस्ट, कुटी लाल मिर्चें जो टॉपिंग में यूज़ होंगी, ओरिगैनो, ये बटर और ये सारी वेजिटेबल, पिज़्ज़ा सॉस, ऑलिव्स ऑयल, आधा कप दूध, नीम गर्म पानी, 1 अदद अंडा, 400 ग्राम चिकन है, 100 ग्राम मोज़रेला चीज़, 100 ग्राम चेडर चीज़। चलिए शुरू करते हैं अपनी डो। सबसे पहले इसमें सब मसाले मिक्स करूँगी, जैसे ये 2 चम्मच चीनी है, नमक, ड्राई मिल्क, इंस्टेंट ईस्ट, मिक्स कर लें। अब इसमें शामिल करूंगी 1 अदद अंडा। दो चम्मच इतना ऑयल, इसके लिए आपको ख्याल रखना पड़ेगा जो पानी है वो ज़्यादा गर्म ना हो और ज़्यादा ठंडा भी ना हो, नीम गर्म पानी रखिएगा। सबसे पहले इसमें ये मैं दूध ऐड करूँगी जो नीम गर्म करके रखा हुआ मैंने, मिक्स करते हैं। आपकी डो जितनी सॉफ्ट होगी आपका पिज़्ज़ा उतने सॉफ्ट बनेगा, तो ये ख्याल रखिएगा बिल्कुल नरम हाथों से इसको आपने मिक्स करना है। आपकी डो अगर ज़्यादा हार्ड हो गई तो आपका पिज़्ज़ा बिल्कुल हार्ड बनेगा। पिज़्ज़े की टॉपिंग करते बेक करते मैं आपको 1-2 टिप्स बताऊंगी जिससे आपका पिज़्ज़ा किसी भी बड़े ब्रांड के पिज़्ज़े से, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, उससे कम नहीं होगा। अगर आप वो टिप्स फॉलो कर लें तो आप जो पिज़्ज़ा बनाएंगे घर पे तो सब आपकी तारीफ करेंगे। पिज़्ज़ा डो मिक्स हो चुकी है, अभी थोड़ा सा ऑयल आप हाथ पे लेंगे और इसके ऊपर लगा दें और इसको 1 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे, किसी ओवन में या आप चूल्हे के पास किसी भी जगह पे इसको राइस होने के लिए रख दें। डो के ऊपर ऑयल लगा के आप इसको किसी भी शॉपर बैग में इसको कवर कर दें 1 घंटे के लिए। डो गूंदने के लिए पानी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, अगर आपकी डो नरम हो जाए तो आप मैदा भी ऐड कर सकते हैं और अगर थोड़ी हार्ड है तो उसको आप पानी भी शामिल कर सकते हैं। और इसको आप किसी गर्म जगह पर रखती हूँ 1 घंटे के लिए। ये देखिए 1 घंटे के बाद हमारी डो कितनी अच्छी राइज होगी, बिल्कुल रेडी है। अब आपको मैं बताऊँगी कि इसको आपने प्रोफेशनल तरीके से कैसे करना है। अगर आप डो को ऐसे बना लें तो आपकी डो बहुत अच्छी है। थोड़ा सा मैदा लेंगे आप, मैदा डस्ट कर लें, उन डो इस पर निकाल लें। आप इसको जितना ऐसे करेंगे आपकी डो उतनी अच्छी बनेगी और इसमें लचक भी उतनी आएगी। ये देखिए आपके सामने इसमें लचक आ चुकी है। एक केजी के करीब ये लिया है मैंने, इससे मैं 4 पिज़्ज़े बनाऊंगी। आप इसको हाफ़ कर लें, अगर आपने थिन क्रस्ट बनाना है तो इसके 4 पिज़्ज़े बना लें, अगर आप इससे थोड़ा थिन क्रस्ट से थोड़ा मोटा रखना चाहते हैं तो आप इसके 3 पिज़्ज़े बना लें।
ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कितने बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी टॉपिंग। सबसे पहले एक पैन में आप ऑयल लेंगे 2 से 3 चम्मच। इसमें शामिल करें अदरक लहसुन की पेस्ट, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल लें, क्योंकि ये चिकन टिक्का पिज़्ज़ा है, इसमें अगर लहसुन अदरक आप डालेंगे तो ये बिल्कुल रियल टिक्के का फ्लेवर आएगा आपका। जैसे इसमें से खुशबू आने लगे आप इसमें ये चिकन शामिल कर लें। जिंजर गार्लिक की बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और फिर चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। जैसे जैसे मैं आपको इसकी टिप्स बता रही हूँ, अगर आप उसको फॉलो करेंगे आपका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनेगा, बेहतरीन। चलिए इसमें शामिल करती हूँ टिक्का मसाला। आप चाहें तो इसके बगैर भी बना सकते हैं, चाहें तो इसको शामिल कर लें, मगर कर लेंगे तो आपका पिज़्ज़े का फ्लेवर बहुत परफेक्ट आएगा। आप अगर चाहें तो इसमें थोड़ा पानी शामिल कर सकते हैं। पाँच से छः मिनट लगेंगे आपके चिकन रेडी होने में। ये चिकन तैयार है, ये देखिए इसको भी निकालती। चिकन टिक्का टॉपिंग के बाद अब मैं दूसरी टॉपिंग बना रही हूँ, चिकन फेहिता। इसके लिए पैन में थोड़ा सा ऑयल लें, उसी तरह 1/2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक, इसको 1 से 2 मिनट सोते करना। अब इसमें शामिल करेंगे आप शिमला मिर्च। जब तक आपकी वेजिटेबल में टेस्ट नहीं होगा पिज़्ज़ा आपका अच्छा नहीं बनेगा। लगाने का तो आप इसको वैसे भी पिज़्ज़े पे लगा सकते हो, मगर सब्ज़ी में टेस्ट आएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। बस इसको ज़्यादा आपने नहीं करना, 1 से 2 मिनट। अब इसमें शामिल कर देंगे आप प्याज, जो मैंने इस तरह चुकोर काट ली है। हल्का सा इसको फ्राई करने के बाद अब इसमें टमाटर ऐड कर दें, इसको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया है। अब इसके अंदर जो मसाले जाएंगे, इसमें 1 चम्मच पिज़्ज़ा सॉस, 1/2 टेबल स्पून इसमें ओरिगैनो, 1/2 टेबल स्पून सब्जियां हमारी रेडी हैं। चले अब तो अपनी रोटी को बेलते हैं। चलो अब पिज़्ज़ा पैन में अगर आप थोड़ी सी सूजी लेंगे ऐसे, आपकी क्रस्ट जो है बहुत क्रिस्पी बनेगी। आप इसको ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं, आप उसको सूजी भी लगा सकते हैं। ये इसको आप सेट कर लें ट्रे में।
अब इसको प्रिक कर ले कांटे, ऐसे इसके अंदर बनने वाली एयर जो वो ख़त्म हो जाएगी और आपका पिज़्ज़ा अच्छा बनेगा। चलिए अब इस पे लगाएंगे हम पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस आपकी मर्ज़ी, आप जितनी मर्ज़ी लगा सकते हैं, कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। आप ब्रश के साथ अपने पूरे पिज़्ज़े पे फैला लें इसको। आप चाहें तो इस पे आप चिली गार्लिक सॉस भी लगा सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम डालेंगे मोज़रेला चीज़। चीज़ भी आपकी मर्ज़ी, आप ज़्यादा डालना चाहें, कम डालना चाहें। चीज़ लवर्स जो है वो तो चीज़ ज़्यादा ही पसंद करेंगे। चलिए अब इस पे चिकन रखूँगी। चिकन भी आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये चिकन टिक्का पिज़्ज़ा है तो इस पे ज़रा चिकन आप जितना डालेंगे ज़्यादा वो अच्छा बनेगा आपका। चलिए ये मैं दूसरे पिज़्ज़े के लिए बचाती हूँ। अब इस पे आप डालेंगे कुटी लाल मिर्च, थोड़ा सा ओरिगैनो, अब इस पे डालेंगे चेडर चीज़ जो कि मैंने क्रश करके रखी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास गैस ओवन नहीं है, इलेक्ट्रिक ओवन नहीं है, तो मैं उनके लिए आज पिज़्ज़ा आपको पतीले में बनाना सिखाऊंगी। स्टोन ओवन जिसको मैंने बना के रखा हुआ है। चीज़ जो है मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़ दोनों 100 ग्राम है। अब इसके पर आप ऑलिव डाल लें। अगर आपको ऑलिव नहीं पसंद तो आप इसको नहीं भी डाल सकते, मगर इसके साथ टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है इसका। अब इसके ऊपर आप फिर से थोड़ी सी क्रश चिलीज डालें। थोड़ा सा ओरिगैनो। चलिए इसको बेक के लिए रखते हैं। नाज़रीन ये देखिए, मैंने अपने पतीले में ये बड़े बड़े स्टोन सेट किए हुए हैं। स्टोन के साथ ये फ़ायदा होता है कि ओवन आपका काफ़ी देर तक जो है वो प्री हीट रहता है। आप 15 मिनट पहले इसको प्री हीट करें, आपका ओवन काफ़ी देर गर्म रहेगा और आपने जो भी बेक करना वो बड़ी जल्दी जल्दी आपकी बेकिंग होती जा रही है। जैसे कि आप पिज़्ज़ा बेक करें, उसके बाद आपने चिकन ब्रेड बेक करनी है, कुछ भी बेक करना है, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा इसको गर्म करने में। इसके ऊपर या तो आप ये स्टैंड रख लें, या कोई भी आपका केक का अगर वो सांचा है तो आप उसको उल्टा करके रख लें। तो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये मेरे पास ये है, मैं इसको इस बेकिंग के लिए यूज़ करती हूँ। ओवन मैंने पहले से प्रीहीट कर रखा है, इसके अंदर अब मैं पिज़्ज़ा रखती हूँ। इसमें ये नाज़रीन पिज़्ज़ा मैंने इसमें रख दिया ओवन में। अब इसको 25 मिनट के बाद मैं चेक करूँगी। ये नाज़रीन 25 मिनट के बाद हमारा पिज़्ज़ा तैयार है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा बनाएंगे।
इसको मैं प्लेटर में निकालती हूँ। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। मैंने आपसे जैसे बताया था कि थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा मैं 1 kg में 4 पिज़्ज़े बनाऊंगी। ये देखिए अच्छा सॉफ्ट पिज़्ज़ा रेडी है। लीजिए नाज़रीन, अब मैं बना रही हूँ चिकन फहीता। 2 मिनट इसमें सेट कर दिए, अब इसको कांटे से पिक कर लेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इससे इसकी एयर सारी निकल जाती है और आपका पिज़्ज़ा बिल्कुल इक्वल बनता है, यानी कि कहीं से बारीक और कहीं से मोटा ऐसे नहीं होता। अब इसके बाद मैं लगाऊंगी पिज़्ज़ा सॉस। इससे पहले मैंने जो पिज़्ज़ा बनाया उसको मैंने आपको बताया था कि इसमें आप अगर आपको उसकी क्रिस्पी क्रस्ट चाहिए तो आप उस पर सूजी लगाइए थोड़ा सा, और अगर आपको सॉफ्ट पिज़्ज़ा चाहिए जैसे कि नॉर्मल होता है तो आप उसको ऑयल के साथ ग्रीस कर लें अपने पैन को। पिज़्ज़ा सॉस आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसी जितनी चाहे लगा सकते हैं। इसके कॉर्नर भी अच्छी तरह कवर कर लें। अक्सर होता है कि पिज़्ज़े के कॉर्नर जो हैं वो लोग छोड़ देते हैं, अगर आप इस पर पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से लगा लेंगे तो आपके कॉर्नर भी बड़े अच्छे से खाए जाएंगे। तो चले करते हैं इसकी टॉपिंग। अब इस पर पहले मैं डालूंगी मोज़रेला चीज़। आप इसको ग्रेट भी कर सकते हैं और वैसे भी डाल सकते हैं अपनी सहूलत के मुताबिक। जैसे ये मैंने हाफ चीज़ जो है ग्रेट कर ली है और हाफ मैंने वैसे ही इसको पीसेस में कर लिया है, तो चीज़ ने तो मेल्ट हो जाना है। अब इस पर चिकन डालूंगी। वेजिटेबल मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप कैसे बनाएंगे। अब इस पर वेजिटेबल डालूंगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस पर जितनी चाहें वेजिटेबल डाल सकते हैं। मैंने इसमें प्याज ली है, टमाटर और शिमला मिर्च। अब इस पर दोबारा मैं चीज़ डालूंगी, चेडर चीज़। ये देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि इसको मैंने छोटा पीसेस में कर लिया है। आप भर के चीज़ डालिए, आपका पिज़्ज़ा अच्छा बनेगा। चीज़ डालने में कंजूसी मत करिए। चलिए अब इस पे मैं ऑलिव डाल रही हूँ। आप चाहें तो ग्रीन ऑलिव भी डाल सकते हैं, ब्लैक या ग्रीन कोई से भी। आप इसको थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर दें। कलरफुल करने के लिए आप इस पे अपनी मर्ज़ी से वेजिटेबल डेकोरेट कर सकते हैं। खाने में अच्छा लगे मगर दिखने में भी अच्छा लगना चाहिए। चलिए अब इस पे मैं डाल रही हूँ कुटी लाल मिर्च। पेपरिका भी डाल सकते हैं आप, ओरिगैनो। अब इसको हाथ से प्रेस कीजिए। अब मैं इसको प्री हीट ओवन में रखती हूँ। इसको भी 20 से 25 मिनट लगेंगे रेडी होने में। लीजिए चिकन फहीता तैयार है, अब इसको डिश आउट करती हूँ। मैं अब इसको कट करके दिखाती हूँ।
लीजिए, आप इसको बनाएं, एंजॉय करें, और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक आराम से पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।